ॐ भुवर्वायवे स्वाहा, इदं वायवे इदं नमः। ॐ स्वरादित्याय स्वाहा, इदमादित्याय इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदं नमः। ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रे यत्प्रैरतनामधेयं दधाना, यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रीणात् तदेषां निहितं गुहाभिः स्वाहा। ॐ सक्तुमिव तितिना पुनन्तु यत्र धीरा मनसा वाचमक्रता, अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिता दिवाचे स्वाहा। ॐ यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्विन्दन्द्रिशिशु प्रविष्टां, तामावृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते स्वाहा। ॐ उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्, उतत्वस्मै तन्वं विसस्त्रे जायेव पत्यौषति सुवासा स्वाहा। ॐ उतत्वसख्ये स्थिरपीतमाहुर्नयनं हिन्त्वयपि वाजिनेषु, अधेन्वाचरति माययैष वाचं शुशुवाम फलाम पुष्पाम् स्वाहा। केवल घी। ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय इदं नमः। ॐ भूरग्नये स्वाहा, इदमग्नये इदं नमः। ॐ भुवर्वायवे स्वाहा, इदं वायवे इदं नमः। ॐ स्वरादित्याय स्वाहा, इदमादित्याय इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदं नमः। ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्, अग्निष्टत् स्विष्टकृद् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृत हुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां, कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामात् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। ॐ स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न आयून्षिप्पवस आसुवोर्जमिषं च न आरे बाधस्वधुश्चूनां स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यपुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा।
इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्वस्वपास्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रैमै पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामवतयोरैणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदं मम ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो वयासिष्ठा यजिष्ठो वह्नितमश्रोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुद्यस्मात् स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्याम् इदन्नमम ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवति नेदिष्ठो अस्याउषसो व्युष्टौ अवयक्ष्वणो वरुणं रराणो विमृलीकं सुहवो नहेधे स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्याम् इदन्नमम ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृलया त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भे अहेलमानो वरुणेह बुद्ध्युरुशंसमान आयु प्रमोषे इदं वरुणाय इदन्नमम ओम येते शतं वरुणये सहस्रहं महंतः ते विर्णो अद्य सवितुत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतस्वर्का स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्य स्वर्केभ्य इदन्नमम ओम अयाश्चाग्नेस्यन विशस्तिपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्य यानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्नमम ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मद्दवाधमं विमध्यमं शधाय अधावयमादित्यव्रते तवानागसूवदितयस्यामा स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्नमम ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मायज्जं हिंसिष्टं मायज्जवदिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं
स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः कयानश्चित्र आभुवदुति सदा वृधः सखा कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्दस दृढा चिदारुजेवसु ॐ भूर्भुवः स्वः यज्ञरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद के बोले ऋचा धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जा हे मन से पाप अत्याचार के कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार के लाभकारे हो हवन हर जीव धारे के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो मम का सारथक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोर झुका हे मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक
बल दीजिए प्रभु मां, सिख बल दीजिए प्रभु मां, सिख बल दे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न को। भक्ति प्रेम से मन हो वे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा को सुभागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममे। हमें बचाओ पाप से करके दया दया, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करता। हाथ जोर विनती करूं सुनिए कृपा निधान, सारो संगत सुख दीजिए आनम्रतादान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरे हो। भगवन पूरे हो, यह अभिलाषा हम सब के भगवन पूरे हो। आज के कार्यक्रम को विभाजित किया है। प्रथम भाग विशेष यज्ञ का रहा, जो कि श्रद्धा भक्ति से संपन्न हुआ। इसके लिए हमारे आचार्यों तथा पुरोहित पुरोहिताओं को धन्यवाद। बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग की ओर। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब होता है मांगना, याचना करना। किससे मांगेंगे? जिसके पास है तो उसी तो मांगेंगे। परमात्मा के पास तो भंडार है, सब कुछ है। उससे मांगते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें श्रेष्ठ धन दो। श्रेष्ठानी द्रविणानी, श्रेष्ठ धन, श्रेष्ठ कर्मों से, पुरुषार्थ से श्रेष्ठ धन प्राप्त होता है। मंत्र में श्रेष्ठ धन के लिए 6 प्रार्थनाएं हैं। प्रथम है चित्तिम दक्षस्य, कि हर कार्य जो है, जो हम करेंगे, कुशलता पूर्वक करें। भौतिक धन का दुरुपयोग न करें। धन के अभिमान से दुर्बलों को न सतावें। दूसरी प्रार्थना है सुभगत्वम अस्मे, हमें सौभाग्य संपन्न बनाइए। हमारी प्रत्येक क्रिया से यश प्राप्त हो। भग का अर्थ है ऐश्वर्य, धर्म, यश,
शोभा, ज्ञान, वैराग्य, रिश्वत, जुआ, लूटपाट, काला धन सुभग नहीं हो सकता। मंत्र में तीसरी प्रार्थना है, रही नाम पोषम, मेरा धन शुभ कर्मों में लगे। उदाहरण के लिए सेवा, गरीबों को विद्या का दान, धनों को पोषण करने वाले हम हों, हम जीवन यात्रा के लिए आवश्यक धनों के पोषण करने वाले हों। चौथी प्रार्थना है अरिष्टिम तनु नाम, पहला सुख निरोगी काया, शरीर की निरोगता के लिए अष्टांग योग हम करें। और पांचवी प्रार्थना है वाचः स्वादमानम, वाणी में हमारी वाणी में मिठास हो। मीठा वचन औषध का काम करता है, कटु वचन तीर का। हमारी वाणी इतनी मधुर हो कि सुनने वाले सुनने के लिए लालायित हों। और छठी प्रार्थना मंत्र में है सुविनत्वम अनाम, हमारी वाणी में इतना मिठास हो कि हमारा हर दिन शुभ हो, हर दिन शुभ हो, हमारा हर दिन सुदिन हो। जब हम सवेरे उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, संध्या करते हैं, तो भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमारा आज का दिन शुभ हो, हमारा दिन सुदिन हो, अच्छा दिन हो। सु का मतलब होता है अच्छा। प्रतिदिन प्रार्थना के बाद हमें परमात्मा से यह बोलना है कि हमारा दिन सुदिन हो। तो मैंने कोशिश की परमात्मा का जो संदेश है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप लोगों ने ध्यान से मुझे सुना, ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। कांटे ही बिछाए
उद्देश्य हैं जिनमें वह वेद ज्ञान जो परमपिता परमेश्वर ने हमारी उन्नति के लिए दिया था सृष्टि के आरंभ में जब वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ था तो मनुष्य को ये वेद ज्ञान मिला। ये वेद ज्ञान जो चार वेदों में विभक्त है और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, इस ज्ञान को अभी तक एकदम अक्षुण रखने में एक परंपरा जिसे हम ऋषि परंपरा कहते हैं या गुरु शिष्य परंपरा, हर पीढ़ी जो है आने वाली पीढ़ी को ये जो ज्ञान है समर्पित करता है। और ये श्रावणी पर्व के अंतर्गत हमारे कुछ कर्तव्य की ओर हमारे ध्यान आकृष्ट करते हैं कि यद्यपि हम गृहस्थी अपने व्यवसाय आदि में एकदम व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन ये श्रावण मास जो श्रावणी मास से शुरू होकर चार महीने तक चलता है, ये जो यज्ञ हम हर सप्ताह समाज में साप्ताहिक यज्ञ के रूप में करते हैं, इस यज्ञ को गृहस्थी के बीच घर घर में पहुंचाएं, अर्थात हमें पूर्ण प्रयत्न करना है प्रतिदिन एक गृहस्थी में यज्ञ हो और इस यज्ञ को सर्वत्र फैलाएं। मैं इस बात को सर्वत्र कहते जा रहा हूँ। सर्वदेशिक ने पिछले साल ये एक घोषणा किया कि घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ, और इसको हमें भी अपनाना है क्योंकि आज हम COVID-19 के संक्रमण से एकदम संकट में पड़े हुए हैं और हमें बहुत ही सावधानी के साथ अपने प्रचार कार्य को न रुकते हुए इस प्रचार कार्य को आगे ले चलना है। आज हमें आवश्यक है, हम लोगों ने अपने पुरोहितों से जिला परिषद के अधिकारियों से ये प्रार्थना की कि यज्ञ प्रारंभ हो और यज्ञ हर घर में किया जाए। परिवार के लोग जो हैं सीमित रूप में अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो यज्ञ करें। यज्ञ की ये जो सिलसिला है, यज्ञ की ये जो परंपरा है, इसमें रुकावट आनी नहीं चाहिए। अन्य लोगों को हम न बुलाएं, जिस तरह पूर्व में एकदम हम भव्य रूप से बहुत से लोगों को बुलाते थे, ऐसा न करते हुए हम अपनी इस परंपरा को आगे ले चलें। दया
पौराणिकों में गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजा का विशेष विधान है। वे महाभारत के रचनाकार ऋषि वेद व्यास की पूजा करते हैं। महाभारत काल में कृष्ण द्वैपायन नामक ऋषि हुए जो वेदों के पंडित थे, इसलिए उन्हें वेद व्यास की उपाधि दी गई। इन्हीं वेद व्यास के नाम से पौराणिक विद्वान गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। आर्य जगत में यह दृढ़ मान्यता है कि आदि गुरु परमेश्वर हैं। उस परमेश्वर ने सर्वप्रथम चार ऋषियों के हृदयों में वेदों का प्रकाश किया। उन्हीं ऋषियों से ऋषि परंपरा चली और वेदों के मंत्रों के दर्शन ऋषिगण करते गए। सभी ऋषि मंत्र दृष्टा थे। आधुनिक काल में महर्षि देवदयानंद मंत्र दृष्टा हुए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सर्वप्रथम हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, फिर वेद का प्रकाश देने वाले ऋषियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वेद में एक मंत्र आया है जो ऋषियों के ऋषित्व का उल्लेख करती है। मंत्र इस प्रकार है, ऋषिबोध प्रतिबोध वसवननो यश्य जागरीवै तौते प्राणस्य गोपतारौ दिवानक्तम च जागृताम। अथर्ववेद के पांचवा मंडल सूक्त 30 मंत्र 10। इस मंत्र से वेद माता आत्मा को उपदेश देती है कि यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो ऋषि बन जाओ। अंदर और बाहर के नेत्रों को खोल लो ताकि सब कुछ देख सको। सो मत, जागते रहो, अपनी आत्मा का उत्थान करो। ऋषि वह है जो आध्यात्मिकता की ओ खोज करता है, मंत्रों के दर्शन करता है, यज्ञों का प्रतिपादन करता है। वह महान शक्ति, महान आदर्श, महान धारणा से सभी दुख दुर्बलता से मुक्ति का द्वार खोलता है। वह अनेक लक्षणों से संपन्न होता है। वह अध्यात्म से मानव कल्याण से उत्पन्न होता है। यह श्रावणी महोत्सव को मैं कहूँगा यह अति पावन पर्व है। इसको क्यों अति पावन पर्व बोलना चाहिए? क्योंकि यही एक ऐसा पर्व है, त्यौहार है, जिस अवसर पर हम एक दो महीने से अधिक लगातार यज्ञ महायज्ञों का आयोजन करते हैं, उपदेश सुनते हैं, वेदों का पठन पाठन करते हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने परिवार में यज्ञ करते हैं, सामूहिक यज्ञ करते हैं समाज में, और दो तीन महीने तक यही सुनते रहते हैं। हमारा एक पत्र चलता है, साप्ताहिक पत्र अयोध्या, उस पर आप देखते हैं इस अवसर पर लेखकगण विद्वानगण के विचार जब करते हैं वेदों के पठन पाठन के बारे में, श्रावणी पर्व के बारे में। रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से हम प्रसारित करते हैं, अपने संदेश सुनाते हैं। हमारे आचार्यगण जहाँ भी जाते हैं अपने उपदेश में अपने भाषण देते हैं वेदों के पठन पाठन पर, और यज महायजों के आयोजन पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। और दो महीने तक, दो से ज़्यादा महीने तक मॉरिशस भर में कोने कोने में इस तरह की चर्चा होती है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि मॉरिशस के हर एक कोने में, हर एक गांव में एक भक्ति का वातावरण छा जाता है। सभी लोग पहले ही से तैयारी में रहते हैं कि हम श्रावणी महोत्सव का आयोजन करें। बहुत से लोग जानते हैं और कुछ जवान लोग जानते भी नहीं होंगे, हम लगभग 55 या 56 वर्ष से यहाँ पर श्रावणी महोत्सव मनाते थे। इससे पहले मॉरिशस में श्रावणी महोत्सव नहीं मनाया जाता था। जब स्वामी अखिलानंद जी यहाँ मॉरिशस आए थे तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हम सभी आर्य समाजी, आर्य भाई बहन जो है, क्यों ना श्रावण मास में श्रावणी महोत्सव मनाएं। तो पूछा गया उनसे क्या किया जाए, कहा कि महायज्ञों का आयोजन करें, यज्ञ महायज्ञों का आयोजन करें, वेदों का पठन पाठन करें,
चारों तरफ मॉरिशस के कोने कोने में सामाजिक तौर पर या पारिवारिक तौर पर इसका आयोजन करें, इसमें भक्ति का समा आ जाएगा। जानते हैं दुनिया में बहुत से लोग भोगवादी हो गए हैं। भोगवादी का मतलब होता है आदमी का उद्देश्य हो गया, जीवन का उद्देश्य ये हो गया है खाना पीना मौज उड़ाना परिवार को सुखी देखना। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये बाहरी सुख है। केवल हम देख रहे हैं कि लोग बाहर में बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, बड़े आनंद में है, लेकिन आंतरिक जो सुख शांति और आनंद है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भी हमें खुला थोड़ा आना चाहिए। यही एक अवसर है मिलता है श्रावणी पर्व में कि हम जहाँ भी जाते हैं बैठते हैं समाज में मंदिर में जाते हैं यज्ञ महायज्ञों में भाग लेते हैं, पंडित गण उच्चारण करते हैं, शुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हमारे यजमान गण बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें भाग लेते हैं और जितने भक्त जन हैं उसमें शामिल होते हैं, सब में परिवर्तन आ जाता है। एक बार दो बार तीन बार सुनने से महीने दो महीने तक सुनते रहने से आदमी का भाव जो है बदल जाता है। हमारे अंदर जो है बुद्धि है उसको तीव्र बनाने के लिए तो कुछ करना चाहिए। अब हमारा मन जो है उसको पावन स्वच्छ बनाने के लिए यही एक साधन है और आत्मा को पवित्र बनाने के लिए श्रेष्ठ बनाने के लिए यही एक साधन है कि हम यज्ञ करें, ब्रह्म यज्ञ करें, देव यज्ञ करें, महायज्ञ करें। इसके द्वारा जो पठन पाठन है वेदों को सुने तो इसके द्वारा हमारा जो मन बुद्धि आत्मा जो सब होते हैं आंतरिक जो है सुख प्राप्त होता है। हमें लगता है कि ईश्वर जो है उसको ध्यान देना चाहिए, उसका भजन कीर्तन करना चाहिए और मानव का धर्म यही है। 19वीं शताब्दी भारत में सबसे गिरी हुई शताब्दी मानते हैं। उसी शताब्दी में झांसी की रानी आती है 1857 में, 1857 में। बहुत कम लोगों को मालूम है कि वे दयानंद से मिलने आई थी। तत्या टोपे और जितने उनके साथी थे, दयानंद ने जो दक्षिणा में धन मिले थे उस वक्त तक वो झांसी की रानी को सुपुर्द किया था और कहा था कि मैं अंडरग्राउंड रहकर सहायता करूंगा, क्योंकि स्वामी दयानंद के जीवन में एक दूसरा उद्देश्य था। मतलब अगर वो लड़ते और अंग्रेजी सरकार पकड़ लेते तो उसे कैद में डाल देते और उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए कहा मैं अंडरग्राउंड भूमिगत रहकर सहायता करूंगा। बहनों और भाइयों, 19वीं शताब्दी में एक ऋषि हुए जिसको हम वेदों वाला ऋषि बोलते हैं और वे हमारे दयानंद। गुरु के दरवाजे को छोड़ कर जब निकले तो गुरु ने कहा, 14-15 शिष्य पढ़ रहे थे उनके साथ उस वक्त, मैंने इतिहास में खोज की, एक भी दयानंद के क्लासमेट उनकी सहायता नहीं की। आप समझ सकते हैं, सभी पेट पालने के लिए आए थे पढ़ने, सभी रोटी कमाना के लिए आए थे पढ़ने, फकत दयानंद आए थे एक उद्देश्य लेकर। और अच्छा हुआ जाते वक्त जो लौंग देना चाहते थे ऋषि ने कहा स्टॉप, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा, एक दूसरी चीज है तुम्हारे साथ। बोले मांग लो। मांग लें गुरु, मैं देने को तैयार हूँ। बोले तुम्हें अपना जीवन देना होगा, भारतवर्ष रसातल में गिर गया है, वेद तिरोहित हो गया है, डिसअपीय हो गया है। आपने सुना है ना कि स्वामी जयानंद ने जर्मनी से वेद मंगाया, क्यों? तिरोहित हो गया था, गायब हो गया था, भूल गए थे लोग। उन्होंने वेद को पकड़कर भारतवर्ष को पुनः रास्ते पर लाने की कोशिश की। सब तो हो गया, मॉरिशस में जब से वेद का पदार्पण हुआ, मैं समाप्त करूंगा अपने देश से, 1903 में, 1905 में, 1907 में और 10 में जब मनीलाल डॉक्टर आए, देखा कि ये लोग वेद प्रचार के लिए कोशिश कर रहे हैं। सनातनी होते हुए मनीलाल डॉक्टर ने मॉरिशन लोगों की सहायता की और पोर्टलिस्ट में आर्य समाज बना, वेद का प्रचार होने लगा, हवन होने लगा, कन्या पाठशालाएं खुलने लगी,
अगर हम दयानंद का नाम नहीं लेंगे, अभी किसी ने कहा, हम कृतज्ञ होंगे। नो बाबू ग्रेटफुल टू हिम, हमें कृतज्ञ होना चाहिए दयानंद के प्रति। मॉरिशस नहीं आ पाए जैसे करमचंद गांधी आए, लेकिन उनका सत्यात प्रकाश आया जो वेद से ओतप्रोत है। उनका उनकी संस्कार विधि आई, एक प्रैक्टिकल ज्ञान है और एक क्या करना चाहिए, कैसे उस ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ये है उनकी दोनों पुस्तकों में। दोनों पुस्तकों का प्रचार होने लगा। बहनों और भाइयों, समाप्त करने से पहले, एक जाति के जीवन में पर्वों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। Thank you.
दयानंद जो हमारे गुरु हैं, अभी कहा गया वेदों वाले ऋषि थे। तो गुरु का काम होता है ज्ञान देना, नॉलेज इम्पार्ट करना। जो ज्ञान देता है वो गुरु कहलाता है। तो इन्होंने वेदों का ज्ञान दिया और विश्व गुरु बने। तो इनमें कौन सी विशेषता थी? पहला, तेजोसी तेजोमयी थी, इनमें तेज था, लस्टर, ग्लैमर, स्प्लेंडर। तेजस्वी थे तब गुरु बने, यदि तेज ना हो तो गुरु नहीं बन सकते। तेजोसी तेजोमयी थी, परमात्मा से वो प्रार्थना किया करते थे कि ये परमात्मन आप तेजोसी हैं, तेज से भरपूर हैं, आपका तेज मुझे भी प्राप्त हो जाए। बलमसि, आप बलवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मेरे अंदर भी शरीर मन बुद्धि और आत्मा का बल आ जाए ताकि मैं भी ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकूं। ओजोसी ओजोमयी देही, आप ओजमय हैं, ओज से भरपूर हैं, मेरे अंदर भी वह ओज आ जाए। वीर्यमसि, आप सर्वशक्तिमान हैं, वीर्यवान है, मेरे अंदर भी वह शक्ति आए। अंत में कहा मन्युरसि मन्युमयी देही, वो मुझे दीजिए, परंतु जब मैं किसी पर मन्यु का भाव दिखाऊं तो ज़रूर वो मुझ पर बरसेंगे। जब मुझ पर बरसेंगे तो मैं आपसे और एक वरदान मांगता हूँ, सहोची। आप सब कुछ सहते हैं तो सहोची सहनशील हैं, वह सहनशीलता टॉलरेंस मेरे अंदर भी आए, तब गुरु बनते हैं। इनके गुरु का नाम था कौन? बिरजानन, स्वामी बिरजानन। भरपूर थे इन गुणों से, ये मत सोचें कि हड्डी हड्डी थे जो उसमें तेज नहीं था। तेज नहीं था तो दयानंद को कैसे उत्पन्न करते? बल नहीं होता आत्मिक शक्ति तो कैसे दयानंद को जन्म देते? उनमें मन्यु नहीं था तो कैसे दयानंद को पीट पाट कर चिन्ह डाल देते सिर पर? और दयानंद से पूछा जाता ये चिन्ह क्यों सिर पर, तो कहा ये गुरु का प्रसाद है। तो ये सब भाव गुरुओं में होता है, तब हम गुरु पूर्णिमा मनाकर गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गुरु परंपरा जो है केवल भारत में ही नहीं चली। आप जानते हैं कहा जाता था यूनान देश, जिसको ग्रीस कहा जाता है, वह सभ्यता को फैलाने वाला देश था प्राचीन समय में, इसलिए यूनान, फिर रोमा, रोमन, जहाँ पर बड़े बड़े गुरु लोग हुए, इन सभी लोगों ने सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। परंतु इन गुरुओं से पूर्व जो गुरु हुए थे उन्हीं लोगों से तो लोगों ने ज्ञान लिया, तो वह ज्ञान कहाँ से आया? वही वेदों का ज्ञान था। ग्रीस देश में सुकरात नाम के, जिसको सोक्रेट्स कहते हैं इंग्लिश में, सोक्रेटिस बोलते हैं, सुकरात जन्मे और उनके शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य, प्लेटो को हम हिंदी में अफलातून कहते हैं, और प्लेटो का शिष्य अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। ये महान गुरु थे। यदि आप इनके ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वेद के बहुत से सिद्धांतों का इन लोगों ने प्रतिपादन किया है। सोक्रेटिस, जिसको सुकरात कहते हैं, जो गुरु थे प्लेटो के, उन्होंने वही काम किया जो महर्षि दयानंद ने शास्त्रार्थ के माध्यम से किया था, पंडितों के साथ बैठकर शास्त्रार्थ करना। वो अपने समय के प्रचलित मत मतांतरों से शास्त्रार्थ करते थे और कहते थे इस बात में तर्क नहीं है, रीजनिंग नहीं है, लॉजिक नहीं है, इसे नहीं मनाया जाए। अंत में क्या हुआ? सुकरात को पकड़कर जेल में रखा गया और मृत्यु दंड दिया गया। क्या दयानंद को भी ऐसे ही नहीं किया गया, जहर दे देकर बार बार
मृत्यु के मुंह में डाल दिया गया। वही बात भी जो तर्क के द्वारा सुकरात सिद्ध करना चाहते थे और उस समय के शासक तैयार नहीं थे स्वीकार करने के लिए और उन्हें मृत्यु के मुख में ढकेल दिया। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने एक ग्रंथ लिखा रिपब्लिक, जिस तरह मर्षदयान ने सत्यार प्रकाश लिखा। उन्होंने तीन बातों पर बल दिया है, जस्टिस न्याय किसे कहते हैं, हमारे बारिस्टर बैठे हैं दो दो, ये लोग न्याय करते हैं। तो प्लेटो का जो रिपब्लिक है जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस, इस पर उन्होंने लिखा। व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। अभी गत सप्ताह में एक इंटरव्यू था, इसी सप्ताह में सोमवार को एक लड़की आई, मैंने उनसे पूछा मोरालिटी के बारे में आप कुछ बताइए, तो कहा आप किस मोरालिटी की बात करते हैं, आपकी मोरालिटी कोई और होगी, मेरी कोई और है। वो इंटरव्यू में आए हैं, आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपकी मोरालिटी और मेरी मोरालिटी में समता नहीं है। और प्लेटो ने कहा एजुकेशन में यदि मोरालिटी न हो तो वह एजुकेशन दो कौड़ी का है। और मोरालिटी क्या है, आचरण की शुद्धता, प्योरिफिकेशन ऑफ योर बिहेवियर, योर कंडक्ट, इसको बोलते हैं मोरालिटी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका ज्ञान, नैतिक शिक्षा। तो उन्होंने कहा शिक्षा में जो नीति ना हो, नैतिकता ना हो, तो वह शिक्षा बेकार है। क्या दयानंद ने यही नहीं लिखा है सत्यार प्रकाश के दूसरे और तीसरे समोल्लास में। तो गुरु प्लेटो और गुरु दयानंद एक विचार के, कहाँ से ये विचार लिए लोगों ने, वेद से। जहाँ पर एकता आ जाती है, समता आ जाती है, वो परमात्मा का ज्ञान होता है। जहाँ धर्म है वहाँ अंतर नहीं मिलेगा। धर्म में समता होती है, मानवता होती है, मानवतावाद पर वो आधारित होता है। तो इन लोगों ने इस प्रकार से किया और गुरु परंपरा चली। ऐसे गुरुओं को स्मरण करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विधान किया। और आज हम जहाँ विरजानंद, दयानंद और श्रद्धानंद को गुरु रूप में स्वीकार करके उनके सिद्धांतों के अनुसार जीवन का यापन करते हैं। मैं सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, खासकर हमारे एनबीसी टीवी और शुरू से अंत तक आप लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रसारण किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। और यहाँ से आज शुरुआत हो रहा है, परंपरा अनुसार आर्यसभा में हम ऐसे मनाते हैं और यहाँ से पूरे देश में जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि लिस्ट आ गया है, कम से कम 1000 यज्ञ का लिस्ट मैं देख रहा हूँ पूरे देश में होने जा रहा है। और पूर्णाहुति के अवसर पर आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की उपस्थिति से यह कार्य जो है बहुत सफल रहा। ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद।